How are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your RVSC EVS book Apna Parivesh Environmental Studies for Class 4. Students, today we will read our fourth chapter, Let's Clean Together. बच्चों आज हम अपना फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जो है लेट्स क्लीन टुगेदर. व्हाट डज इट मीन? मतलब लेट्स क्लीन टुगेदर का मतलब हम सब एक साथ मिलकर चलो सफाई करें. तो हमें सफाई किसकी करनी है? अपने घर की, अपने नेबरहुड की, अपने सराउंडिंग्स की और अपने कंट्री की. सो लेट्स स्टार्ट. वी वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर इन आर स्कूल. हम सब ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अपने स्कूल में सेलिब्रेट की. ऑन दैट डे उस दिन द वर्क ऑफ क्लीनलीनेस वॉज गोइंग ऑन. उस दिन जो सफाई का काम था वो चल रहा था. ऑल द प्लेसेज अंडर द क्लीन इंडिया मिशन इन आर कंट्री. उस दिन जो सफाई का सारा कार्यक्रम था वो किसके अंदर में था? क्लीन इंडिया मिशन के अंदर, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के अंदर चल रहा था सफाई का कार्यक्रम. वी वर क्लीनिंग द स्कूल ऑल्सो. हमने स्कूल की भी सफाई की. अंडर दिस मिशन, इस मिशन के अंदर हमने स्कूल की भी सफाई की. गंगा टुक पार्ट विथ ग्रेट एंथुसियाज्म. गंगा जो एक लड़की थी उसने बहुत ही एंथुसियाज्म, बहुत ही रोचकता से इस जो काम, इस मिशन में उसने पार्टिसिपेट किया. आफ्टर द कैंपेनिंग ऑफ क्लीनिंग वर्क. जब ये कैंपेनिंग क्लीनिंग सफाई का कार्यक्रम हो गया, गंगा सॉ दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. तब गंगा ने देखा कि उसका स्कूल जो था वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था. वेन गंगा वेंट होम. जब गंगा घर गई, शी नरेट द एंटायर इंसिडेंट टू हर मदर. उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई. मदर एंड ऑल्सो प्रोमिस टू हेल्प हर इन द क्लीनिंग होम. और अपनी माँ से यह भी प्रॉमिस किया कि वो उनके घर को, घर की साफ सफाई करने में अपनी मदर की हेल्प करेगी. सो लुक एट द पिक्चर. फिगर नंबर 1, पीपल क्लीन द रोड. एंड सेकेंड इज नीट एंड क्लीन स्कूल. वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीनिनेस. एक कदम स्वच्छता की ओर. क्लीन इंडिया मिशन इज कैंपेनिंग स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लीन इंडिया मिशन का कैंपेन जो था वो किसने स्टार्ट किया? भारत सरकार ने किया. ऑन द नेशनल लेवल, मतलब नेशनल लेवल पर उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया. द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेस इन आवर कंट्री. उनका मेन मिशन जो था वो क्या था? हमारे देश की सड़कों को, स्ट्रीट को और पब्लिक प्लेसेस को साफ करना था. द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन गांधी जयंती. ये जो कैंपेन था स्वच्छ भारत अभियान का, जो मिशन था, ये कब लॉन्च हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन हुआ. After some days, when Ganga was going to school, she swept heaped the trash off laying on the street in her locality. कुछ दिनों के बाद जब गंगा अपने स्कूल गई तो उसने क्या देखा कि उसकी जो स्ट्रीट है, उसके घर के पास की जो स्ट्रीट है, वहाँ पर कचरे का बहुत सारा क्या पड़ा है? ढेर पड़ा है. She didn't like this at all. उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई. When she reached school, जब वो स्कूल पहुँची, She discussed this with her classmate. उसने ये सारी बातें अपने क्लासमेट से, मतलब जो उसके क्लास में उसके फ्रेंड्स थे, उनके साथ शेयर की. गंगा टोल्ड देम दैट वी मेंटेन क्लीननेस एट आर होम. गंगा ने उनसे कहा कि हमें क्लीननेस जो है, जो सफाई है, वो अपने होम से करनी चाहिए, स्कूल से करनी चाहिए, एटसेट्रा. बट द रोड्स एंड द स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी. देन वॉट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस. अगर हम अपने घर और स्कूल को साफ रखेंगे लेकिन हमारी जो स्ट्रीट्स और रोड हैं वो वैसे ही गंदी रहेंगी, तो फिर ऐसी सफाई का क्या मतलब हुआ? सडनली हरीश इंटरप्ट एंड सेट. तभी अचानक हरीश ने उसकी बात को काटा और कहा, बट दिस इज़ नॉट आर वर्क. लेकिन स्ट्रीट्स की सफाई करना ये हमारा काम नहीं है. What we can do about it? तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? So then, this is some points for discussions. Maintaining the cleanliness at road, street, colonies, etc. It's our response. It's our responsibility or not? Answer them. So answer these questions. क्या होगा इसका आंसर?
यस, मेंटेनिंग क्लीनिनेस एट द रोड एंड स्ट्रीट कॉलोनीज एक्सेट्रा, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोड, स्ट्रीट और कॉलोनी की भी सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। वॉट इज़ द रीज़न टू एक्यूमुलेट द डर्ट एंड द ट्रैश इन द कॉलोनी एंड द स्ट्रीट? कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसके कारण कॉलोनी और स्ट्रीट में क्या हो जाता है, डर्ट और ट्रैश, कचरा और गंदगी इकट्ठा हो जाती है? तो पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट द क्लीनिनेस, दे थ्रो ऑल गार्बेज ऑन द रोड एंड इट मेक्स कॉलोनी डर्टी। मतलब लोग क्या है, केयरफुल नहीं है, वो केयरलेस है सफाई को लेके, और वो क्या करते हैं, वो जो भी कचरा होता है उसको स्ट्रीट पे या रोड पे फेंक देते हैं, जिससे हमारी कॉलोनी और स्ट्रीट जो है वो क्या हो जाती है, डर्टी हो जाती है। नाउ अब बिगनिंग, गंगा वॉज वेरी हैप्पी, हर ब्रदर एंड भाभी एंड हिज वाइफ भाभी हु लिव्ड इन सिटी। गंगा बहुत खुश थी, उसके भाई और भाभी जो थे वो कहाँ रहते थे, शहर में रहते थे। वर अबाउट टू विजिट गंगाज होम, वो गंगा के घर आ रहे थे। शी रीच्ड होम अर्लियर, वो जल्द ही घर पहुँचने वाले थे। दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर गंगा, वो गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। एवरीबडी इन हर फैमिली वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल, उसकी फैमिली में सारे लोग बहुत खुश थे उन लोगों के आने से। आफ्टर सम टाइम्स हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट, थोड़ी देर बाद उसके भाई की जो वाइफ थी, उसकी भाभी थी, उन्होंने उससे पूछा कि टॉयलेट कहाँ है। गंगा सेड देयर इज़ नो टॉयलेट, तभी गंगा ने कहा यहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है हमारे होम में। देयर इज़ नो टॉयलेट इन आर होम, हमारे घर में कोई टॉयलेट नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफेक्शन इन ओपन, उसकी भाभी जो थी वो बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वो बाहर जाकर शौच करें। शी सेड वी फॉलो पर्दा सिस्टम, उसकी भाभी ने कहा हम पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं इन एंड आउटसाइड आर होम, हम पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं घर में और बाहर। देन हाउ कैन वी गो टू डिफेक्शन इन ओपन, तो हम बाहर कैसे जा सकते हैं फ्रेश होने के लिए या शौच करने के लिए खुले में। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू की बात सुनने के बाद गंगाज ग्रैंडफादर सैड, गंगा के दादाजी ने कहा शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही बोल रही है। कॉल द लेबर्स टूडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, उसके दादाजी ने तभी कहा कि लेबर्स को आज ही बुलाओ और आज ही टॉयलेट का काम शुरू करवाओ, कहाँ पर, घर के पीछे की तरफ बैकयार्ड में। नाउ अडेज इवन टू द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, अब क्या हुआ है गवर्नमेंट जो सरकार है उसने भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, क्या करने के लिए, टॉयलेट्स बनवाने के लिए। When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, जब और भी गाँव वालों ने गंगा के घर में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन देखा, they also started the construction of toilet in their place, तब उन्होंने भी क्या किया, अपने घरों में टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दिया। So गंगा भाभी says that when we follow parda system inside our house and home, then how can we go for defection in open? In your opinion, what is the relevance of this statement? So, when a woman follow parda system inside and outside her home, she cannot go for defection in open. It is completely against her self-respect. वो क्यों नहीं जाना चाहती थी? उसकी भाभी ने ये बोला था ना कि जब हम घर में पर्दा करते हैं तो फिर हम फ्रेश होने के लिए बाहर क्यों जाएं? तो वो चीज़ उसकी भाभी को अच्छी नहीं लगी थी। देन नेक्स्ट व्हाट विल बी द एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ ओपन डिफेक्शंस, अगर हम बाहर फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? तो ओपन डिफेक्शन क्रिएट्स अ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर हम बाहर जाके शौच या फ्रेश होते हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। फ्लाई स्नेक्स आर फूड डर्टी, और जो मक्खियाँ होती हैं वो हमारे खाने को क्या करती हैं, गंदा करती हैं। विच क्रिएट मैनी डिजीजेज, उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। बाई ईटिंग दिस फूड, वो खाना हम खाएंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ होंगी ना।
वी मे कैच मैनी डिसीजेस, और हमें बहुत सी बीमारियाँ क्या होती हैं, पकड़ लेती हैं. सो स्टूडेंट्स, वी टुडे वी स्टॉप हेयर, देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड टेक केयर.